Hey guys, आज का ये वीडियो पूरा नेबुलाइजेशन किट के ऊपर है। ये जो नेबुलाइजर किट होती है ये मेनली जो है हमें रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के लिए यूज होती है, जिनको सांस वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमेटिक पेशेंट्स को, या जिनका कफ या जुकाम वगैरह हो जाता है जिनको, और उनका कफ आसानी से जो है निकल नहीं रहा है, तो उनको जो है डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपने आप को नेबुलाइज करिए। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही कुछ सीन हो गया था बीच में, तो अभी हम देखेंगे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं पूरा प्रॉपर। तो चलिए अब बॉक्स को करते हैं ओपन, यहाँ से इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पब्लिक नेबुलाइजर जो होते हैं वो थोड़ा सा इन्फेक्शन वाला लगा। तो मैं मतलब पर्सनल चीजें ज्यादा रिकमेंड करती हूँ अपने लिए, और खासकर जो रेस्पिरेटरी वगैरह वाले होते हैं, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है मैं अपनी खुद की यूज करूँ, तो मैंने ये डॉक्टर ट्रस्ट का प्रोडक्ट मंगाया है। एंड कॉस्ट कितना है, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में दिखने वाली है। चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीजें इस किट के अंदर इन्होंने दिया है। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको प्रॉपर वारंटी वगैरह भी मिलती है। रोहित शर्मा इनका जो है एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और ये जो है इकोनॉमिक टाइम्स प्रीमियम प्रेस्टीजियस ब्रांड 2020 का और 2021 का रह चुका है, और इसको ज्यादातर लोगों ने इसको परचेज भी किया था। यहाँ पे देखिए आपको एमआरपी इसका ये पड़ रहा है 1550 का, मगर जो मुझे पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट ये अमेजन ने मुझे दिया है 1099 का, सो ऑलमोस्ट 1100 का मुझे पड़ा है। इसको यहाँ से हटाते हैं एंड दिस इज इट। हेल्दी चेंज स्टार्ट्स नाउ दिखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर ट्रस्ट यूएसए बेस्टेस्ट कंप्रेसर नेबुलाइजर 401 WB लिखा हुआ है, एंड दिस इज द इकोनॉमिक टाइम्स का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड है 2021 का। ये सारी चीजें रहती हैं। पहला इन्होंने एक ट्यूब दिया हुआ है जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन करेंगे। चलिए एक एक करके हम रखते जाते हैं इसको। इसके बाद आपको जो मिलेगा ये एक नेबुलाइजर किट मिली हुई है आपको, ऐसा कुछ किट रहता है इनका। तो इसमें क्या क्या रहता है वो अभी हम देखेंगे, पहले इसको रख देते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये इन्होंने कुछ एयर फिल्टर दिए हुए हैं, जब हम एयर फिल्टर कैसे चेंज करते हैं ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ये 5 एयर फिल्टर्स दिए हुए हैं जिसको हमें टाइम के साथ साथ चेंज करते रहना पड़ेगा। और इसके बाद आता है आपका ये एक यूजर मैनुअल, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सो ये सारी चीजें रहती है। फिर रहता है ये हमारा एक एजुकेट करने वाला, तो फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों के लिए है, हाउ टू गेट अ वारंटी एक्सटेंशन। तो इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने खरीदा है तो आपको ऐसे ही वारंटी नहीं मिल जाएगी 6 मंथ्स की। सो गेट अ 6 मंथ्स वारंटी फ्री फॉर अमेजन कस्टमर्स और फ्लिपकार्ट कस्टमर्स, दोनों को ही ये मिल रहा है। जिसमें क्या करना है आपको, गो टू द वेबसाइट, आपको www.nureka.in में जो है इनके जाना है। सिंपली एंटर द ऑर्डर डिटेल्स एंड प्रेस सबमिट। ऑर्डर डिटेल्स वगैरह आपको जो है डालनी है, एंटर करनी है, और आपको फ्री वारंटी मिल जाएगी। आप अगर चाहें तो इनके सपोर्ट में भी कॉल कर सकते हैं, वहां पे आपको नंबर वगैरह भी मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक QR कोड है, इसको आपको स्कैन करना है, और आप सपोर्ट सिस्टम में भी इनके बात कर सकते हैं, जो कि मंडे से सैटरडे बैठता है 10 से 5:30 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। विथ वार्म रिगार्ड्स न्यूरेका। ये हो गया। इसके बाद हमारा ये एक इन्होंने इनवॉइस भी दिया है मुझे, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमारी रहती हैं, और हमें एक सबसे जो भारी प्रोडक्ट है इस आइटम का वो अब हम निकालने जा रहे हैं, जो कि है हमारा डॉक्टर ट्रस्ट का कंप्रेसर, ठीक है। चलिए अभी इसको, ये अच्छी खासी पैकेजिंग में आया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं। इनमें आया है कंप्रेसर, इसको इन्होंने ऐसे करके थोड़ा सा अच्छी तरह से दिया है। ये इसका एयर वेंट है, यहाँ से हवा पास ऑन हो जाएगी। सारी चीजें हैं यहाँ पे, आपको ऑन ऑफ बटन भी हो जाएगा। बाकी ये आपका फिल्टर चेंज वाला एरिया है, यहाँ पे अंदर फिल्टर लगा हुआ है, और ये आपका पाइप जो मिला है हमें वो हमें यहाँ पे लगाना रहेगा। यहाँ पे इन्होंने QR कोड भी दिया है फॉर प्रोडक्ट डेमो, अगर लेना है आपको तो यहाँ पे आप QR कोड को स्कैन करके ले सकते हो। बाकी इसको रिमूव कर देना है प्रोडक्ट यूज करने से पहले, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। कैरी भी कर सकते हैं, इजी टू कैरी है,
ठीक है। ये इसका पावर कॉर्ड दिया हुआ है, प्रॉपर अच्छा सा है, प्लग वगैरह लगा हुआ है, ये एयर वेंट है सारे, और ये नीचे से कुछ ऐसा है, साइड से कुछ ऐसा है, एंड दिस इज इट, ठीक है। पीछे से कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे वारंटी के लिए क्लेम करेंगे तो ये आपको सीरियल नंबर मांगेंगे, तो मेक श्योर करिएगा यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। ये यूएस का ब्रांड है, यूएस की कंपनी है जिसका इंडिया में हेडक्वार्टर मुंबई में है। सो ऐसा कुछ है किट हमारा पूरा ओपन होने के बाद। अभी देखिए इसको मैंने खोल लिया है, इसको प्रॉपरली आप ऊपर से खोल सकते हैं, पीछे पेपर टाइप का दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पार्ट्स ऑफ एरोसोल थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी अपैरेटस, नेबुलाइजर किट वगैरह ये हमें दिए रखी है। हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो ये एक मेडिसिन कप दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। सो 2 ml मिनिमम है और 8 ml जो है मैक्सिमम है इस मेडिसिन कप का। तो ये ऐसा कुछ इनका मेडिसिन कप हो गया। बाकी इन्होंने ये एक चाइल्ड वाला मास्क दिया है नोज के लिए, एक हमारा एडल्ट का मास्क हो गया ये, ठीक है। बाकी और देखते हैं क्या है। ये हमारा माउथ का यूनिट है, जिसको माउथ से करना है वो माउथ से कर ले, तो ये हो गया। बाकी ये दो इन्होंने स्ट्रिप दिया हुआ है इसमें लगाने के लिए, ये देखिए यहाँ पे जो है इसी पे हम ये लगा लेंगे, ठीक है। सो ये दो स्ट्रिप है हमारी। बाकी और देखते हैं क्या है। ये नाक वाला है, वहाँ से भी आप ब्रीद कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक और ये यूनिट मिला है, इसको देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें इसमें नेबुलाइजर किट में आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा देखिए एडल्ट एंड चाइल्ड पेडियाट्रिक मास्क हो गए, ठीक है। ये हमारा एयर ट्यूब हो गया, ये वाला एयर ट्यूब हो गया। बाकी ये वन बटन ऑपरेशन वाला ये कंप्रेसर है हमारा, वन बटन से ऑपरेट होगा, ठीक है। लो नॉइज आएगी इसमें, नॉइज कह रहे हैं काफ़ी लो आएगी। बाकी ये नोज पीस दे दिया है हमें, ये नोज पीस है हमारा, ठीक है। ये हमारा एर्गोनॉमिक हैंडल दिया हुआ है इसमें, एर्गोनॉमिक हैंडल हो गया, ठीक है। और ये हमारे फ्री 5 एयर फिल्टर्स दिए हुए हैं, तो ये हमारे फिल्टर्स हो गए, ठीक है। सो ऐसा कुछ हो जाता है। डॉक्टर ट्रस्ट की पूरी किट मैंने आपको खोल के दिखा दी है अनबॉक्स करके। तो ये जो मेडिसिन कप है इसको हम यहाँ से ऐसे करके खोल भी सकते हैं, दिखने में देखिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी हम फिर से इसको बंद भी कर सकते हैं, बंद हो जाएगा, ठीक है। वो नाक और कान में हम फंसा सकते हैं, कान में फंसा लिया या पीछे हेड की तरफ फंसा लिया, इसको मैं अभी दिखाऊंगी कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी हम कैसे इसको फिक्स करते हैं। ये जो एयर ट्यूब हमको दिया हुआ है इसके साथ, तो इसका जो पहला एक नॉब है, दोनों ही सेम नॉब है, ठीक है। आप किसी भी एक नॉब को आपको यहाँ पे लगा देना है, ये लग गया है। बाकी ये जो है हमारा फिल्टर वाला सेक्शन, इसको आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है, निकल आएगा। तो इसके साथ ये देखिए फिल्टर भी निकल आएगा, यहाँ पे फिल्टर जो है लगता है, और यूज़ करते करते ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा काला भी हो जाता है जब आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये आप मेक श्योर करिए जब ये थोड़ा सा रंग बदल दे, ठीक है, काला हो जाए, तो आप इसको चेंज कर दीजिए। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आप इसको एक एक करके यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, ये रहेगा, इसको अंदर आप ऐसे डालिए, ठीक है, और इसके अंदर आप ऐसे फिट कर दीजिए। मेक श्योर करिए इसमें लिखा हुआ है स्पेशल कि आप कॉटन वगैरह मत यूज़ करिए, इसको आप सोचे कि ये कॉटन जैसा ही दिख रहा है तो कॉटन डाल दें, नहीं, ये आप फिल्टर ही खरीदिए और फिल्टर ही डालिए, कोई भी रुई वगैरह घुसेड़ देंगे तो कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। ये तो हमारा मेडिसिन कप हो गया, इसके अंदर यहाँ से हमें मेडिसिन डालनी है और ये नीचे यहाँ पर ml वाले में चला जाएगा। तो ये हम कुछ ऐसे डाल लेंगे ताकि ये हमारे लग जाए। अभी मैंने ऐसे कर लिया, आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो। ये दो ऊपर नीचे भी दिए हुए हैं और इधर भी दिए हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ से डालिए यहाँ निकालिए, या यहाँ से डालिए यहाँ निकालिए, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे सुविधा होती है। मैंने तो अभी के लिए यहाँ से डाल लिया है। सो यहाँ पर आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है, ऐसे करने के बाद। तो ये एक तरीके से ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करके डाल लूँगी, आगे ये जो है आपको ये जो सेक्शन मिलेगा ये वाला, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लग जाता है। बाकी आप ये चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर दिया हुआ है, इन तीनों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों में आपको एक यूज़ करना है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। लगा सकते हो और ऐसे करके आप हटा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया,
आपने ये एक बार ऐसे लगा दिया तो ये फिट हो गया आपका। एक हमने जो एयर वाला जो हमारा ट्यूब था ये हमने इसमें लगाया है, और दूसरा जो एयर ट्यूब वाला ये जो सेक्शन है वो हम इसके नीचे ही जो यहाँ पे जो सेक्शन दिया हुआ है ना लगाना रहता है, तो ये आसानी से यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये जो है पूरा मशीन रेडी हो गई हमारी। सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कैसे क्या हमें करना है। ठीक है, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं चाहे तो। बाकी जो मेन है, जो मेन मुझे दिखाना था आपको इसमें, वो ये दिखाना था कि ये देखिए ये इंस्ट्रक्शन बुकलेट है। कंप्रेसर का जो वारंटी है वो 5 ईयर्स का दिया हुआ है, एयर फिल्टर का हमें 6 मंथ्स का दिया हुआ है, और नेबुलाइजर किट का हमें 1 ईयर का दिया हुआ है। ठीक है, सो ये सारी हमें वारंटी इसमें डॉक्टर ट्रस्ट में मिल रही है। बाकी सब मैंने सुना है, बाकी जो दूसरे होते हैं ना नेबुलाइजर उसमें कोई वारंटी वगैरह नहीं देती है। मगर ये होता है कि आपको विद इन 15 डेज जो है वारंटी आपको क्लेम करनी पड़ती है, वरना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मतलब ऑफ, ये मतलब ऑन। ये एक नॉब टाइप का है जैसे हम नॉब भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा बंद हो गया नॉब, और ये देखिए धीरे धीरे डक्ट इसका खुल रहा है। तो आपको जिसमें भी रखना है आप वो डिसाइड कर सकते हैं। अपने दवा को इसमें डाल लेते हैं, तो ये देखिए दवा खुल चुकी है एंड इसको भी हम खोल लेते हैं। अपने मेडिसिन कप में दवा को डाल लेना है, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इंडिकेटर भी लिखा हुआ है कितने ml का है आपकी दवा, तो ये 6 को छू रही है। तब तक लगाए रहना जब तक ये आपका पूरा लिक्विड जो है भाप बन के आप अंदर ना ले लो। ठीक है, तो ये तब तक आपको मुंह में लगाए रहना है। तो इसमें ऑलमोस्ट लग जाता है 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी लग सकता है, वो आपकी दवा के हिसाब से मैटर करता है। ये है एयर ट्यूब, आप एयर ट्यूब को बिल्कुल भी बीच से देखिएगा, कहीं से भी दवा ना हो। ठीक है, आराम से इसको ऐसे रख लीजिए चाहे तो, बाकी इसको आप ऐसे करके लगा लीजिए। तो आप मेक श्योर करिए ये जो आपका जहाँ से ये दवा आपके नाक में आने वाली है वो डायरेक्ट आप बिल्कुल नाक के बिल्कुल सामने लगाएं ऐसे करके, ताकि आपको आसानी रहे सांस लेने में और ये जो दवा लेने में। ठीक है, पूरी दवा आपके अंदर जाए। सो आपको ऐसे करना है, जबर स्विच हमने इसको लगा दिया है एंड अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हमें इसको लेना है। स्लो डीप ब्रीथ्स लेने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हम इसको चलिए ऑन करते हैं, उसको लगा लेते हैं। जब आप इसको लेंगे ना तो यहाँ से आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा स्प्रे हो रहा है यहाँ से को, और वही आपके माइन्यूट पार्टिकल्स बनके अंदर लंग्स तक जाएंगे, आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसको साफ करेंगे। राइट, सो ये अब देखिए थोड़ा बहुत वेपर्स वगैरह भी आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी करंट वरेंट लगने का कोई भी डर नहीं है। ठीक है, बस इसको आप बात करते हुए वगैरह मत यूज़ करिए, वेट हैंड से ना यूज़ करिए, गीले हाथों से इसको कभी मत पकड़िए, इसमें कभी भी पानी मत जाने दीजिए कहीं से भी। ठीक है, इसको पूरा ड्राई रखिए। बाकी इस वाले रेस्पिरेशन किट में ये अच्छी चीज़ है कि इसमें जो है ना, जब आप इससे रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो ये जो इसका धुआं है वो यहाँ से निकलता है। बहुत सारे जो ये नेबुलाइजर किट होते हैं उसमें धुआं यहाँ से, जो मैंने क्लिनिक्स वगैरह में देखा, यहाँ से निकलता है, तो वो आपकी सीधे आँख में जाता है एंड इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। वो थोड़ा सा आँखों में लगता है, तो यहाँ से वेपर टाइप का निकलता है, आप देखिएगा। ठीक है, बाकी ये देखिए वेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, आपका आराम से आप जो भी सांस लेते हैं वो बाहर जाएगी, तो फ्रेश एयर आएगी, सो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। ये और ये देखिए वेंट दिए हुए हैं, और यहाँ से तो वेंट है ही है, तो यहाँ से आपका जो धुआं होगा दवा वाला वो भी निकलना बंद हो जाएगा, तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपकी अब दवा जो है ख़त्म हो चुकी है। और बाकी यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं, तो ये थी मेरी वीडियो। अब इसको एक बार हमने यूज़ कर लिया, पूरी दवा ख़त्म हो गई, तो हम इसको हटा सकते हैं, इसका जो एयर फिल्टर है नीचे से, एंड आप प्लग से इसको हटा दीजिए तुरंत जैसे ही आप इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से भी आप इसका एयर ट्यूब हटा दीजिए। सो ये हो गया, तो मैं गर्म पानी करने के लिए ये यूज़ करती हूँ अपनी कैटल, जो कि मेरी बजाज की है, आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ दिखने में ऐसी है। ठीक है, एंड ये इसका जो है देखिए नीचे का सेक्शन है इसमें, तो ये मैंने भर लिया है पानी। और अगर आपको लगता है आपको ये पानी जो है थोड़ी देर बाद यूज़ करना है, तो आप इस मिल्टन को भी यूज़ कर सकते हैं, थर्मोस्टील को। इसमें ऑलमोस्ट जो है पानी पूरा रात भर जो है गर्म हो जाता है, और सुबह उठ के भी आप पी सकते हैं, गर्म रहता है, आप यूज़ कर सकते हैं, ये जाड़े के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक केटल, इसको हम ऑन करते हैं।
यहाँ से आप देखिए जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पे ये इंडिकेटर जल जाएगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। सो दिस इज़ अवर केटल। पानी चाय बहुत तेज़ी में जो है गर्म होता है। एक बार आप गैस यूज़ करते हैं तो उसमें तो टाइम लग सकता है, मगर इसमें बहुत तेज़ी में जो है पानी गर्म होता है। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। दोनों ही चीज़ें मैंने अमेजोन से मंगाया है, इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिंक सारे डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं। इसका कनेक्शन हमने यहाँ बगल में ही रखा है। इसका कॉर्ड देखिए आप, इतना कॉर्ड दे रखा है, ठीक है, क्योंकि आराम से आप स्विच तक लिए जा सकते हैं। सो दिस इज़ अवर केटल। बजाज का है, एक साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए भी। सो दिस इज़ वेरी ईजी टू यूज़। आप इसको साफ़ वगैरह भी बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें गुनगुना पानी डालिए, ऐसे ऐसे हिलाइए, डिटर्जेंट वगैरह डाल दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए और आप साफ़ कर लेंगे बड़े आराम से। पानी हो गया है गर्म, अभी इसको बाउल में ले लेते हैं। इस बाउल में हम आप इसको बंद कर देते हैं और ये देखिए थोड़े से समय में ही पानी कितना गर्म हो गया है। बार आपका पानी जो है गर्म हो जाता है, हल्के ल्यूक वाटर में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। इसको डाल दीजिए और इसको भी डाल दीजिए, ठीक है, पूरा मेक श्योर ये पूरा अंदर चला जाए। इसको आप ऊपर की लिड लगा के रख सकते हैं, इसको आप छोड़ दे सकते हैं जब तक पानी ठंडा ना हो जाए। तो आप भी इसको, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, आप इसको ले सकते हैं। हर फैमिली मेम्बर आपका यूज़ कर सकता है इसको। और बहुत सारे डॉक्टर्स नॉर्मली जो है हमें कफ और कोल्ड हो जाता है तो ये रिकमेंड करते ही है नॉर्मलाइज करने के लिए। तो आप भी इसको ले सकते हैं। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। पसंद आती है आप उसको बाय भी कर सकते हैं। तो गाइज अब इस वीडियो में इतना ही, आप मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।